हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी 2015 की फाइनल कट ऑफ और उसके साथ साथ अलाटमेंट ऑफ फोर्सेस, मतलब डिफरेंट फोर्सेस हैं आप जानते हो, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, पीएसएसबी और असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ। तो इसमें अलग अलग फोर्स में जो है अलाटमेंट किया गया, तो उसका मेरिट लिस्ट जो है हर स्टेट का और हर कैटेगरी का जो है अलग अलग दिया हुआ है। तो इतना बड़ा वीडियो जो है मैं बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं देख सकते हो, तो इसीलिए जो है मैं इस लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो बंदा चेक कर सकता है चेक कर सकता है। और एक और चीज़ बात है कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो कि सर मैं फलाना स्टेट से हूँ, और अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से जो है कट ऑफ के बारे में, तो आप कमेंट करेगा तो, और जो बंदा मतलब जो स्टेट का ज़्यादा कमेंट्स आता है उस स्टेट की जो है कट ऑफ लिस्ट के बारे में पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन जो है मैं वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, एसएससी जीडी का। अभी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है उसको खोल के आप अपना खुद ही जो है देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा नमूना दे दूंगा कैसा आप चेक करना है और क्या मतलब कैसा जो है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा जो है नमूना दे दूंगा इसी वीडियो में, और साथ ही साथ जो है जो भी एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है 2018 का, और जो इस नोटिफिकेशन जो है 21/7/2018 में आने वाला है करके बोल रहा है, तो ठीक है, आ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो ऑनलाइन से, तो हमारे चैनल पे जो है ऑनलाइन कोर्स चालू है, तो उस कोर्स को आप ले सकते हो, ठीक है। वो भी चीज़ जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अभी जो है चलते हैं कि आप कैसा चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट के बारे में कैसा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी होता है, तो कैटेगरी के हिसाब से आप चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में जो है आपको फोर्सेस बीएसएफ है, ठीक है, और उसके बाद में जो है लिस्ट में सीएसएफ है और सीआरपीएफ है। वैसा जो है हर फोर्स की अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये जी मतलब जनरल एरिया का है, मतलब नॉर्मल एरिया, और एन मतलब नक्सल अफेक्टेड एरिया, और बॉर्डर एरिया मतलब बी होता है तो बॉर्डर एरिया। यहाँ पे कैटेगरी हम लोग देखेंगे तो 9 मतलब यूआर का है, ठीक है, 6 मतलब ओबीसी का है, और उसके बाद में 1 मतलब एससी का है, एसटी का 2 है, तो वैसा आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है लोएस्ट मार्क्स जिसको आया और इसका ऊपर के कैंडिडेट को आ चुका है, और उतना जिसको आया वो भी जो है सेलेक्ट हो चुका है और जो है अलॉटमेंट हो चुका है, ये जो है मीनिंग है। तो पूरा की पूरा जो है आप ये 26 पेजेस है वो पूरा की पूरा आप देख सकते हो, और अपना स्टेट खोल के जो है आप कितना मार्क्स है और कौन सा कैटेगरी का है पूरा की पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आपको समझ में नहीं आया कट ऑफ कैसे चेक करें, और जो स्टेट से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उस स्टेट के लिए मैं स्पेशल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक और एक साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।